morning guys, it's our day 2 in Gokarna and sadly we are leaving this halfway home. I really enjoyed yesterday night at this place. This place is really cool and you will get a vibe of hostel because there is sharing toilet and washrooms, but the tents are really cozy and comfortable. So Ajay already mentioned hame aaj ke liye ye wala room nahi mila. Aaj bahut crowded hai, upar se aaj Shivratri bhi hai aur yahan pe ek bahut bada temple bhi hai, Mahabaleshwar temple. We are planning to go there aur aaj ke liye hum staying ka kuch aur hi intezam kiye hain. So we are going to that place first, so let's go. So we reached at Gokarna Main beach and this beach seems to be a very long beach and less crowd compared to Kudle beach and Om beach, I can say. This place is going to be our home tonight. I will show you where. See, these are small tent. So we are going to stay tonight because hame aur kuch mila nahi aur camping bhi bahut jagah pe nahi mil raha tha. तो यहाँ पे ये कैंपिंग हमें कल रात को मिला एंड आज हम अभी आए थे इसको देखने के लिए. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि बीच एग्जैक्टली सामने है एंड हम यहाँ पे रात को रहने वाले हैं. एंड और एक बात है, ये बीच के सामने बहुत सारे कैफेज हैं जो कि कुडले बीच में भी था, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है. कैफेज आर रियली नाइस एंड क्राउड आर वेरी लेस हियर. मे बी इवनिंग को ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पर. गोकर्णा बीच में हमारा आज रात का स्टेइंग. अभी हम जा रहे हैं आज का दिन का गोकर्णा एक्सप्लोर करने. कल हम गए थे ओम बीच, आज हम फिर से वहीं पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे और दो बीच है, पैराडाइज बीच एंड हाफमून बीच, जिसके लिए आपको या तो ट्रेकिंग करके जाना पड़ेगा या फिर आप बोट लेके भी जा सकते हो. कल हमारे पास इतना टाइम नहीं था. और एक चीज मैं बताऊंगी, गोकर्णा का जो ये इनसाइड रास्ता जो है वो बहुत खराब है. खराब इन द सेंस बहुत नैरो है और थोड़ा बम्पी भी है. तो बेटर होगा अगर आप अपना पर्सनल गाड़ी भी लेके आए हो तो गाड़ी को रख दो कहीं पे सेफली और बाइक हायर करके घूमिए. दैट विल बी बेटर. हम भी वही करने का सोच रहे थे क्योंकि आज शिवरात्रि है और बहुत भीड़ है गोकर्णा में, इसीलिए कहीं पे बाइक मिल नहीं रहा है और जहाँ मिल भी रहा है वहाँ पे ओवर प्राइस्ड है. 700-800 रुपया पर डे चार्ज कर रहे हैं, बट अगर आप बाइक या स्कूटी से घूमते हो तो गोकर्णा बेटर एक्सप्लोर कर पाओगे. फिर से आके ओम बीच में पहुंच के एंड ये है नमस्ते कैफे जहाँ पे हम कल खाना खाए थे. एंड यहाँ से बहुत सारे बोट लेके जा रहे हैं पैराडाइज बीच एंड हाफमून बीच. एंड यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं ट्रेकिंग. लेट्स गो. गूगल मैप में दिखा रहा है 750 मीटर, तो देखते हैं कैसा रहता है ट्रैक. जितना मुझे पता है दिस ट्रैक इज़ मॉडरेट ट्रैक और यहाँ पे बोट्स भी हैं जो आपको लेके जाएंगे, बट वो बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज कर रहे थे और हमारा वैसे भी था कि हम ट्रैकिंग करेंगे गोकर्णा में. मतलब यहाँ से अगर मैं जंप करूँ तो नीचे तो जाऊँगी जाऊँगी, सीधा ऊपर चली जाऊँगी. तो फाइनली हम नीचे पहुँच गए
पूरा पहाड़ हम ट्रेक करके आए, बस 15-20 मिनट का ही ट्रेकिंग है, ज़्यादा नहीं है। और ये ट्रेकिंग करते टाइम जो व्यू मिला ना, दैट वॉज मैजिकल। और देखिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, दैट इज़ द सी राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड दैट द हाफमून बीच एंड आई थिंक पैराडाइज बीच इज दैट साइड। हम सोच रहे हैं ये ख़त्म होने के बाद हम वहाँ जाएंगे, विल अपडेट। सो वी आर एट हाफमून बीच राइट नाउ एंड kind of private beach and we are chilling here. और ये बीच के साइड पे बहुत सारे कैफेज हैं जहाँ पे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं and here we ordered banana lassi and coffee, cold coffee. और look at the view. और यहाँ से शुरू होती है हमारी दूसरी ट्रैक और रास्ता कुछ ऐसा है। ये है फॉरेस्ट का रास्ता, ये है रॉक वे। डिसाइड आपको किस तरफ जाना है, हम कहाँ जाएंगे। हम पूरा ये वाला पहाड़ के पीछे से आए हैं, ये पहाड़ ट्रैक करके हम ऐसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं एंड दिस इज द व्यू, अमेजिंग। हाफमून बीच से भी ज़्यादा ये पैराडाइज बीच का ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट है उसके कंपैरिजन, वो तो इजी था, ये पूरा पत्थर से क्लाइंब करके आना पड़ेगा। I can promise you're the only thing I see. इतना ट्रैक करने के बाद ये दिखा पैराडाइज बीच और आई थिंक हमें और नीचे भी जाना पड़ेगा अभी, बट व्यू देखिए, गोकर्णा आके अगर यहाँ नहीं आए तो कुछ नहीं किए। एंड द सी कलर ऑल्सो इज ब्लूइश इन कलर, जो कि इंडिया के बहुत कम बीच में देखने को मिलता है। And I love that color. Quiet voices in the night. Time is running out of sight. Lonely wind is passing by. और ये हम पहुंच गए पैराडाइज बीच। The walls are listening when we talk. Making echoes as we walk. There's no one left but you and me. It's like a made up place that only we can see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Hiking was really fun. अगर आप यहाँ पे आते हो तो जरूर ये सब करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि गोकर्णा में सब लोग आते हैं और मैं बहुत कम लोगों को देखी हूँ यहाँ पे ये सब करते हुए। सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम कुछ अलग करें और थोड़ा एडवेंचरस करें। और अभी कुछ देर में बोट आएगा और हम बोट में फिर से ओम बीच जाएंगे। Take me on a treasure hunt.
fairies when they sing and dance. Oh, I wish it was me. My